प्रिविलेज मोड पे लेवल्स पहले से लास्ट अपडेट कर रहे हैं। प्रिविलेज मोड समझ आ रहे थे आप लोग किस तरीके से करते हैं? अच्छा ये जो ऑथेंटिकेशन थी हमारी, हमने वो लॉगिन लोकल किया था ना, उसमें लॉगिन लोकल फिर उसके साथ हमने यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करके देखा था, ठीक है। तो इस तरीके से हो क्या रहा था कि ये राउटर या स्विच जिस पे भी हमने क्या किया था, एक यूजर बनाया था, ठीक है, और उसका हमने क्या रखा था, पासवर्ड रखा था, और उसको क्या किया था, एक हमने प्रिविलेज लेवल असाइन कर दिया था, ठीक है, कि ये लेवल जो है 1 है 2 है या 3 है जो भी है। और हम क्या कर रहे थे कि एक रूममेट रिमोट लोकेशन से क्या कर रहे थे, इसको इस डिवाइस को एक्सेस कर रहे थे, ऐसे ही था, ठीक है ना। और जो लेवल हमने उसको दिया हुआ था यूजर को, उसी ऑथेंटिकेशन राइट्स के थ्रू क्या हो रहा था, वो यूजर उस पर लॉग इन हो रहा था उस डिवाइस के ऊपर, और उसके बाद जो है वो जो भी उसको राइट्स अवेलेबल थे कमांड्स के वो उसको असाइन हो जाते थे, ऐसे ही था, क्लियर है ना क्या कर रहे थे लोग। अच्छा इशू ये है कि हमारे जो अगर हम किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो एक तो डिवाइस नहीं होती हमारे पास, सही, हमारे पास जो है वो थाउजेंड्स तो नहीं तो कम से कम जो है वो 100 और डिवाइसेस हो सकते हैं, सही, ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप एक बैंक की ब्रांच की बात करें तो हर सिटी के अंदर जो है वो बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं बैंक की, और अगर पूरे कंट्रीज की बात करें तो ठीक ठाक जो है वो आपके पास डिवाइसेज अवेलेबल होंगी। तो उसको आप किस तरीके से मैनेज करें कि आप उसको हर डिवाइस पर जाके वो यूजर बनाएंगे और उसके थ्रू जो है वो उसको राइट देंगे, ऐसा है पॉसिबल? नहीं हो सकता ना, ऐसा फिजिबल नहीं है, ठीक है, कि आप जो है 500 डिवाइसेज हैं तो 500 डिवाइसेज पे जाके आप उसको यूजर क्रिएट करें और उनको राइट दें, पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, रिमोटली जो है वो एक सर्वर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाता है सर्वर हमारे पास, रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर, ठीक है, या इसको एक नाम देते हैं ट्रिपल ए, ठीक है। यार एक तो ये माउस, ठीक है, क्या नाम है इसका, ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का क्या मतलब है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग, ये बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो होता क्या है कि जितने भी आपके पास नेटवर्क में डिवाइसेस होती हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं आपके नेटवर्क में, वो सारी डिवाइसेस क्या होती हैं, इसके साथ कनेक्ट होती हैं, ठीक है, थीके? और हम क्या करते हैं इस सर्वर के ऊपर इन सारी डिवाइस को क्या करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन होती है ना, कोई भी आपकी डिवाइस ऐड होगी तो वो क्या होगी, इस सर्वर के ऊपर क्या होगी, रजिस्टर्ड होगी, ठीक है। तो ये सारी डिवाइसेस क्या होंगी, सर्वर पर रजिस्टर्ड होंगी, और यहाँ पे सर्वर पे ही हम क्या करेंगे, यूजर्स यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, जिन जिन यूजर्स को हमने एक्सेस देना होगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्वर पे एक सेंट्रली जगह पे यूजर को क्रिएट कर दिया जाएगा। अब अगर कोई भी यहां से एक्सेस लेगा डिवाइस का, तो ये डिवाइस पहले चेक करेगी कि मेरा ऑथेंटिकेशन सर्वर कौन सा है, ठीक है, और फिर वो उस ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास जाएगी और जो भी यहां पे इनपुट दिया गया होगा उसको यहां पे क्या करेगी, वेरीफाई करेगी कि ये जो यूजर है क्रिएट हुआ हुआ भी है नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अगर वो यूजर वहां पे होगा अवेलेबल तो क्या होगा, यहाँ पे उसको ऑथेंटिकेट कर दिया जाएगा कि हाँ ये यूजर जो है क्या है, ऑथेंटिकेटेड है, इसको आप क्या करें एक्सेस दे दें, ठीक है। और यहाँ से जो है वो राइट्स भी जो है वो उसको असाइन कर दिए जाएंगे कि इसको कौन कौन से राइट्स जो है वो अवेलेबल है इसके लिए, इसको क्या क्या चीजों को ये एक्सेस कर सकता है, मतलब ऑथराइजेशन, ठीक है। तो वो सारी दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, यहाँ से ऑथेंटिकेट होगी। ये वन टाइम होता है
वन टाइम मतलब मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल उसका ऑफिस एनवायरनमेंट में कनेक्ट होकर तो कॉन्फ़िगर कर लिया और वो किसी रिमोट लोकेशन पर चला तो वही सेम यूज है दोबारा ही ऑथेंटिकेशन। बिल्कुल हमेशा जब भी वो डिवाइस का एक्सेस लेगा तो ऑथेंटिकेशन कहाँ से होगी इस ट्रिपल ए सर्वर से। ठीक है क्लियर है। इसके लिए यहाँ पे दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एक आपके पास होता है टैग एससीएस प्लस, ठीक है, और एक आपके पास रेडियस, ठीक है। टैग एससीएस प्लस जो है वो सिस्को प्रोप्राइटरी है, ठीक है, और रेडियस जो है वो क्या है ओपन स्टैंडर्ड है। ये जो दो प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं किसके लिए यूज हो रहे हैं, इस डिवाइस की ऑथेंटिकेशन के लिए। ये डिवाइस जब यहाँ पर रजिस्टर होगी तो ये डिवाइस क्या करेगी, प्रोटोकॉल आप बताएंगे कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है। अगर आप सर्वर पर टैग एससीएस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो डिवाइस में भी आपको कौन सा करना पड़ेगा, टैग एससीएस, ठीक है। कुछ इसको टेकाक्स भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इन दोनों में क्या होती टैग एससीएस प्लस सिस्को प्रोप्राइटरी है, ठीक है, टैग एससीएस प्लस सिस्को प्रोप्राइटरी है और रेडियस क्या है ओपन सोर्स ओपन स्टैंडर्ड है। क्लियर है। इन दोनों में एक तो ये फर्क है, दूसरा फर्क ये है कि टैग एससीएस प्लस जो है वो क्या होगा, इसका जो फ्रेम होगा वो पूरा क्या होगा इनक्रिप्टेड होता है, ठीक है, इसका जो फ्रेम है वो क्या होगा पूरा इनक्रिप्टेड होगा, और रेडियस का पूरा फ्रेम इनक्रिप्टेड नहीं होता बल्कि वो की जो शेयर कर रही होती है डिवाइसेस सिर्फ वो इनक्रिप्टेड होती है, ठीक है, ठीक है। भी फर्क है दोनों में, मतलब यहाँ पे ये डिवाइस जब रजिस्टर्ड होगी, मैंने बताया ना कि यहाँ पे जिस तरह मैंने अभी बताया था कि ये सर्वर है तो यहाँ पे जितनी भी मेरी डिवाइसेज हो रही हैं वो क्या हो रही है यहाँ पे रजिस्टर्ड हो रही है, ये बताया था मैंने। तो वो रजिस्टर्ड होने का भी कोई क्राइटेरिया होगा ना, क्राइटेरिया क्या है कि ये जो प्रोटोकॉल है वो कॉल क्या यूज करेंगे टैग एससीएस, ठीक है। इसके अलावा ये एक की जो है वो शेयर करते हैं आपस में, वो की हम कॉन्फिगर करते हैं सर्वर पे भी और वो की हमारे पास कॉन्फिगर करते हैं हम डिवाइस पे भी, ठीक है। वो की अगर जब तक सेम नहीं होगी ये डिवाइस क्या हो सकती है रजिस्टर्ड नहीं हो सकती यहाँ पे, ठीक है। तो उस की बात कर रहा हूँ कि वो की क्या होती है रेडियस में इंक्रिप्टेड होती है जबकि टैग एससीएस में वो की भी इंक्रिप्टेड होती है, वो पूरा फ्रेम जिसमें ये इंफॉर्मेशन जा रही होती है पूरा का पूरा इंक्रिप्टेड होता है, ठीक है। की से आपको मतलब पासवर्ड, लाइक पासवर्ड, क्लियर है। अच्छा इसकी कॉन्फ़िगरेशन सीसीएनए के अंदर नहीं है, ठीक है, ट्रिपल ए सर्वर की। अगर आप टाइम बच गया तो मैं इसकी एक लैब करवा दूंगा आप लोगों को पैकेट ट्रेसर पे, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्या है हमारा। उसके बाद टॉपिक है स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है, स्विच सिक्योरिटी ये तो हम लोगों ने देख लिया था। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, पोर्ट सिक्योरिटी एड्स एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू द स्विच नेटवर्क, ठीक है। पोर्ट सिक्योरिटी सपोर्ट बोथ स्टैटिकली मैपिंग मैक एड्रेस एंड डायनेमिकली लर्निंग एड्रेसेस फ्रॉम ट्रैफिक सेंट ऑन द पोर्ट, ठीक है। होता यह है कि जब हम अपने स्विच की बात करें तो हमने क्या किया, सारी सिक्योरिटी अप्लाई कर ली, हमने स्विच के ऊपर पासवर्ड भी लगा दिए, हमने अनयूज्ड पोर्ट्स भी जो है वो क्या कर दी थी डिसेबल कर दी थी, सही है। तो सिक्योरिटी सारी हमारे
इम्प्लीमेंट हो चुकी है, लेकिन हमारे पास जो लेजिटिमेट यूजर है इस वक्त वो तो कनेक्टेड है ना, वो पोर्ट तो आपके पास क्या है, ओपन है, यूज हो रही है, ऐसे ही उनके ऊपर तो कोई सिक्योरिटी अब तक हमने नहीं लगाई है, ठीक है। तो क्या हो कि यूजर यहां से क्या करे, इस अपने पीसी को डिस्कनेक्ट करे और बीच में एक स्विच लगा ले, ठीक है, और उसको इससे कनेक्ट कर दे, ठीक है, और यहां पे एक और लैपटॉप भी लगा ले, हो सकता है ऐसा, हो सकता है ना? या फिर अगर वो सिर्फ अपने इस पीसी को जिस पे आपने क्या हो राइट्स दिए हुए हो सारे के लिए ये चीजें खोल सकता है, इस पीसी को डिस्कनेक्ट करके डायरेक्ट यहाँ पे लैपटॉप भी कनेक्ट कर ले और इसके थ्रू एक्सेस दे ले आपके नेटवर्क का, तो वो भी कर सकता है। तो इस पे अभी तक कोई हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए सिस्को ऑफर करता है एक फीचर जो कि क्या कहलाता है, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि जो पोर्ट पे क्या करते हैं, जो इस वक्त हमारा लेजिटिमेट यूजर है इसका मैक एड्रेस क्या होता है वो बाइंड कर दिया जाता है इस पोर्ट पे, ठीक है। जो करंट मैक एड्रेस होगा यूजर का वो मैक एड्रेस क्या कर दिया जाता है, इस पोर्ट पे बाइंड कर दिया जाता है। और उसके बाद अगर डिस्कनेक्ट ये करेगा और उसकी लिमिट बता दी जाती है कि मैक एड्रेस मैक्सिमम कितने बाइंड हो सकते हैं, ठीक है। अगर दो लिमिट बताई गई है या एक बताई गई है तो एक का मतलब क्या है, सिर्फ एक मैक एड्रेस बाइंड हो जाएगा। उसके बाद अगर वो चेंज होगा मैक एड्रेस तो वो क्या करेगा, इस पोर्ट को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अगर ये डिस्कनेक्ट करके किसी और मैक एड्रेस से कोई कम्युनिकेशन शुरू करने की कोशिश करेगा तो क्या कर देगा, उसको वो ब्लॉक कर देगा, क्लियर है। ये हम लोगों ने इसकी थ्योरी देखी भी थी, बताई भी थी मैंने आप लोगों को, ठीक है। और वो ब्लॉक करने के तीन वॉलेशन मोड थे, एक क्या था, प्रोटेक्ट, एक रिस्ट्रिक्ट और एक शटडाउन, ठीक है। तो प्रोटेक्ट में क्या करता है, वो ब्लॉक करता है, लेकिन जैसे ही ये पीसी डिस्कनेक्ट करके वापस, अभी इसका मैक एड्रेस है ए, ठीक है, और ये है बी। तो अगर मैंने इसका ए को यहां पे बाइंड किया हुआ है और ये बी पे मैक से आ गया, ठीक है, तो क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा। लेकिन जैसे ही वो बी डिस्कनेक्ट करके वापस ए को कनेक्ट करेगा तो क्या होगी, पोर्ट वो फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगी, ठीक है। प्रोटेक्ट मोड में क्या हो रहा है कि पोर्ट को प्रोटेक्टेड किया हुआ है, कि वो बाइंड किसके साथ हुआ हुआ है, मैक ए के साथ। ए के साथ अगर किसी और मैक के, ए के अलावा किसी और मैक से आएगा तो वो क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा। लेकिन जैसे ही वो डिस्कनेक्ट करके वापस ए को कनेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगी, वो पोर्ट वापस फंक्शनल हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये किसमें हो रहा है, प्रोटेक्टेड में, प्रोटेक्टेड मोड, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड में क्या करेगा, वो यही सेम काम करेगा जो कि प्रोटेक्टेड में कर रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा काम क्या करेगा कि ये लॉक भी बनाएगा, ये आपको बताएगा भी कि वायोलेशन हुई है, उसका एक लॉक बना लेगा उस टाइम पे जिस टाइम पे वायोलेशन हुई होगी, और वो मैक एड्रेस के थ्रू आपको बताएगा इस मैक एड्रेस के थ्रू क्या हुई है, वायोलेशन हुई है, क्लियर है। और जो शटडाउन है वो क्या करेगा, वो ये दोनों काम तो करेगा लेकिन पोर्ट की स्टेट को क्या कर देगा, शटडाउन, ठीक है। और उसके बाद वापस अगर आप बी को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करके वापस ए को भी कनेक्ट कर देंगे तो भी इसकी स्टेट क्या रहेगी, शटडाउन, ठीक है। मतलब उन दोनों में क्या हो रहा था कि आपने पीसी को डिस्कनेक्ट किया, वापस जो है वो ए को लगा दिया तो वो क्या कर रहा था, फॉरवर्डिंग स्टेट में आ गया था। लेकिन इसमें क्या करेगा, आप वापस ए को भी लगा देते तब भी वो क्या है, पोर्ट अप नहीं होगी जब तक के एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली जाके उसको नो शट ना करेगा, एरर डिसेबल मोड में डाल देता है, क्लियर है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, डिसेबल डिफरेंट शटडाउन, डिसेबल डिफरेंट शटडाउन, एरर डिसेबल में जो है एडमिनिस्ट्रेटर इंटरवेंशन चाहिए होती है, बगैर एडमिनिस्ट्रेटर की वो पोर्ट अप नहीं होगी। अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने उस पे एरर डिसेबल का कोई मैकेनिज्म लगाया हुआ है, वो मैकेनिज्म कॉन्फिगर करते हैं कि भाई ये पोर्ट अगर एरर डिसेबल में चली जाए तो 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद वापस क्या आ जाए, नॉर्मल स्टेट में आ जाए, तो जब तक तो वो वापस आ जाएगी। लेकिन अगर वैसा कोई मैकेनिज्म नहीं लगा तो उस पोर्ट को मैनुअली क्या करना पड़ेगा, नो शट करके शट करना पड़ेगा, मतलब शटडाउन करके नो शट करना पड़ेगा,
ठीक है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता है, दैट सी बात है, यूजर को नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसने लॉग भी बनाया और लॉग भी बनाएगा और पोर्ट को शट डाउन कर देगा, फिर वो यूजर डिसकनेक्ट करके कनेक्ट भी कर ले तो वो पोर्ट ऑफ नहीं होगी, ठीक है, क्लियर। अच्छा मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि एक स्विच पे अगर मैक एड्रेस टेबल होता है ना, स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस टेबल बनाता है, तो उस पर एक अटैक बताया था मैंने आपको, बताया था, हाँ याद है, नहीं याद, क्या बताया, नहीं बताया। एक स्विच जो है फॉर एग्जाम्पल कि ये मैक्सिमम कितने मैक एड्रेसेस लर्न कर सकता है, 6000, हर प्लेटफॉर्म स्विच का डिफरेंट हो सकता है, सही है, एस पर उसकी मेमोरी, ठीक है, तो हो सकता है किसी में 6000 हो, किसी में 8000 हो, ठीक है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक स्विच जो है वो मैक्सिमम कितने मैक एड्रेसेस लर्न कर सकता है, 6000, तो ये 6000 की लिमिट जो होगी वो पूरे स्विच के लिए होगी, ठीक है, कि पूरे स्विच की जितनी पोर्ट्स हैं सब के लिए होगी, और यही लिमिट क्या होगी, एक सिंगल पोर्ट के लिए भी सेम लिमिट है, ठीक है। अगर एक पोर्ट से 6000 पूरे मैक एड्रेसेस लर्न हो जाए तो बाकी जितनी भी पोर्ट्स होंगी वो फिर मैक एड्रेस उस पर लर्न नहीं करेगा स्विच, सही है, समझ आया, कि 6000 की जो लिमिट है वो पूरे स्विच के लिए भी सेम है और एक पोर्ट के लिए भी क्या है वो 6000 ही है। तो अगर एक पोर्ट पे पूरी लिमिट 6000 की उसकी कंज्यूम हो जाए तो बाकी जो पोर्ट्स होंगी उस पे वो मैक एड्रेस लर्न नहीं करेगा, तो फिर स्विच क्या करेगा, काम कैसे करेगा, स्विच काम कैसे करेगा, फिर स्विच का काम क्या होता है, जब यहां पे कोई फ्रेम आता है तो क्या करता है, इस पोर्ट को छोड़ के बाकी क्या करता है, पहला फ्रेम जो आएगा, और जब वो उसको लर्न कर लेता है तो फिर क्या करता है वो यूनिकास्ट, याद है ना, कि जब वो लर्न कर लेगा तो उसको पता है कि इस पोर्ट पे कौन सा मैक एड्रेस है, तो वो क्या करता है यूनिकास्ट। तो जब वो सारी की सारी 6000 यहां पे लर्न कर लेगा, ठीक है, और उसके बाद ये एक ए है और ये एक बी है, दो यूजर है, ठीक है, तो 6000 की जो लिमिट है वो इस पोर्ट पे मुकम्मल हो गई आपकी, पोर्ट नंबर 1 पे। तो अगर बी किसी चीज को, ए को जो है कोई डेटा भेजना चाहता है, तो फिर क्या होगा, जब बी से आपके पास इस पोर्ट से डेटा आएगा तो अब स्विच के पास कैपेसिटी खत्म हो गई, मैक एड्रेस फुल हो चुका है उसका, ठीक है, तो यहां पे स्विच इसको लर्न नहीं करेगा, स्विच क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड कर देगा और इधर भी भेज देगा पोर्ट नंबर 1 पे, सही। तो स्विच क्या काम कर रहा है, एज अ हब, हब का ये काम होता है ना कि जो भी आता है उस पे फ्रेम रिसीव होता है, उस पोर्ट को छोड़ के बाकी सारी पोर्ट्स पे वो ब्रॉडकास्ट कर देता है, हब यही करता है। हब और स्विच में क्या फर्क है, स्विच में यही फर्क है ना, स्विच इसको क्या करता है, लर्न कर लेता है। तो जब उसका मैक एड्रेस टेबल फुल हो जाएगा तो वो क्या करेगा, फिर वो ब्रॉडकास्ट शुरू कर देगा। तो इसी चीज का फायदा कौन उठाता है, आपका हैकर। अब अगर हैकर ने पोर्ट नंबर 1 पे वो पीसी लगा के बैठ गया, ठीक है, और यहाँ पे उसने कोई सॉफ्टवेयर चला दिया जो कि क्या कर रहा है, फेक मैक एड्रेसेस जो है जनरेट कर रहा है, और उसने एक ही पोर्ट पे क्या किए, थाउजेंड्स ऑफ मैक एड्रेसेस क्या किए, जनरेट करवा के उसको लर्न करवा दिए, सही है। तो अब जब भी बी और ए और बी और सी जब कम्युनिकेट करेंगे तो ये क्या हो रहा होगा, ब्रॉडकास्ट, और इसका एक पैकेट क्या कर रहा होगा, वो हैकर भी हमेशा रिसीव कर रहा होगा, सही, समझे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा होगा, स्निप कर रहा होगा आपके डेटा को। उसको रोकने के लिए फिर क्या करते हैं, आप यहां पे पोर्ट पे लिमिट डिफाइन कर देते हैं कि ये पोर्ट जो है मैक्सिमम कितने मैक एड्रेसेस क्या कर सकती है, लर्न कर सकती है, या आप कॉन्फिगर कर देते हैं, उससे ज्यादा वो पोर्ट जो है मैक एड्रेस लर्न नहीं करेगी, ठीक है। चले नमाज का ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे। Yeah, I think. Yeah.
Thank you.
ऐसे पाने बता ये देखते हैं वीडियो में तब तक बढ़िया था ये चलिए लैब बना रहे हैं आप जल्दी से टोपोलॉजी।